मंजुल मंगल मोद मई मूर्ति मारुति पूत सकल सिद्ध कर कमल तल सुमिरत रघुबर दूत। भगवान श्री रघुबर के दूत हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से सारे संकटों का निवारण हो जाता है। इनकी यह मनोहर छवि, यह मनोहर मूरत सकल अमंगल का नाश करने वाली यह छवि भगवान श्री हनुमान जी की है। हनुमान जी सारे संकटों का निवारण करते हैं। आप भी हनुमान जी का स्मरण करिए, हनुमान जी सारे संकटों का निवारण करेंगे। धीर वीर रघुबीर प्रिय सुमिर समीर कुमार अगम सुगम सब काज कर कर तल सिद्ध विचार। भगवान हनुमान जी का स्मरण करके आप कैसे भी कार्य हो, अगम हो, सुगम हो, किसी भी प्रकार के कार्य हो, भगवान हनुमान जी का स्मरण करिए और उस कार्य में लग जाइए, निश्चित ही सफलता मिलेगी। भगवान जी किसी भी कार्य को सफल करने में सक्षम है। कोई भी ऐसा दुर्गम कार्य नहीं है जो भगवान हनुमान जी का भक्त नहीं कर सकता। हनुमान जी की अगर कृपा है तो संपूर्ण कार्य सहज ही हो जाते हैं। शुभ मुद मंगल कुमुद विधु सगुन सरोरु भानु करहु काज सब सिद्ध शुभ आन ही ये हनुमान। भगवान हनुमान जी तो सुंदर कुमुद को खिलाने के लिए चंद्रमा की भांति हैं और शुभ कमल को खिलाने के लिए सूर्य की भांति हैं। अपने हृदय में भगवान हनुमान जी का स्मरण करके, उनकी छवि को धारण करके और उनका नाम लेकर के आप कोई भी कार्य करिए, सारे कार्य शुभ होंगे, सारे कार्य सफल होंगे। सकल काज शुभ समय भलू सगुन सुमंगल जान कीरति विजय विभूति भली हनुमान नहीं आन। हनुमान जी को जब हृदय में धारण कर लेते हो तो विजय विभूति कीर्ति यश सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान हनुमान जी जब हृदय में हो तो कोई भी कार्य अमंगल हो ही नहीं सकता है। हनुमान जी को बस हृदय में धारण करके अपने कार्य में लग जाओ, सब में सफलता मिलेगी। सूर शिरो मनीषासी सुमति समीर कुमार सुमिरत सब सुख संपदा मुद मंगल दातार। भगवान हनुमान जी तो सूरों के भी सूर हैं और सूरों के शिरोमणि हैं। उनके सुमिरन मात्र से सारे सुख संपत्ति वैभव स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। अपने मन में हनुमान जी का स्मरण करके चाहे जो कार्य करो, सारे कार्य शुभ होते हैं और सारे कार्य सफल होते हैं। भगवान हनुमान जी अपने भक्त को, अपने स्मरण करने वाले को सब कुछ दे देते हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, वो तो सारी सिद्धियों के दाता हैं। आठों सिद्धियां, नौ निधियां, सब कुछ भगवान हनुमान जी के हाथ में है। वो अपने भक्त को सब कुछ दे सकते हैं। बस हनुमान जी के आप शरणागत हो और हनुमान जी को हृदय में धारण करो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साहिब ते सेवक बड़ा जे मति गति सुजान राम बांध उतरे उदधि फांदी गयो हनुमान। भगवान राम को तो लंका जाने के लिए समुद्र बांधना पड़ा था, लेकिन हनुमान जी तो ऐसे ही कूद गए। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी के बल, पराक्रम, विवेक, बुद्धि इत्यादि को कोई नहीं जानता है। वह तो अपने आप में स्वयं ब्रह्म ही हैं। हनुमान जी ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं, ब्रह्म हैं। तुलसी राम हुते अधिक राम भगत जी अजान रिनिया राजा राम भे धनिक भये हनुमान।
हनुमान जी इनकी अजब लीला है, भगवान राम भी इनके ऋणी हो गए और ये धनिक हो गए। भगवान हनुमान जी की जिस पर कृपा हो जाए उसका फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तुलसीदास जी ने यही कहा है कि भगवान राम भी तो हनुमान जी के ऋणी हो गए, माता सीता जी हनुमान जी की ऋणी हो गई। अब बताओ जब ये धनिक हैं तो ये क्या नहीं दे सकते हैं, बस इनकी शरण में तो एक बार आओ। जब शरण में आ गए तो फिर किसी की और दूसरे की शरण कहने की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं सबको शरण देने वाले हैं। जय हनुमान की। राम से है नेह स्वर्ण शैल के समान, देह ज्ञानियों में अग्रगण्य गुण के निधान है। महाबलशाली है अखंड ब्रह्मचारी, अति शौर्य में महान, वेग वायु के समान है। राघव के दूत बन लंक में निशंक गए, सीता सुदिलाए कपियूत के प्रधान है।